अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। कौन बाबा तुम? चलो थैला दो, मैं आप घर तक छोड़ता हूँ अब्बा। चलो क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हैं आप? मेरे सामान तो उधर नहीं पड़ रहे ना आपको? पर नहीं अब्बा, आप इतनी देर से चल रहे ना, आपकी तकलीफ देखकर दुख हो रहा अब्बा। बेटा मेरा ये चाप का घर अच्छा लो, मैं अंदर नहीं बैठ रख दूँ। चलो अच्छा फिर मैं जाता हूँ। नहीं बेटा पैसे भी। यहाँ पर क्या कर रहे तुम? क्या कर रहे तुम? आप उतनी दूर से आए बेटा, कुछ लेके भी नहीं, मेरे घर पर भी तकलीफ नहीं लाए, कुछ पैसे नहीं। अब्बा मैं आपकी इतनी देर से अब्बा अब्बा बुला रहा हूँ, कोई बेटा अपने बाप के ने काम करके पैसे लेता क्या अब्बा? बसते बेटा इतनी बड़ी बात, शुक्रिया बेटा। जी सर। सलाम अलैकुम भाई। हाँ अच्छा, मैं शाम तक इफ्तार ले लेता हूँ भाई। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, अल्लाह हाफिज़। खाली बोल, मत डाल दिया ना खाली। तो बोल क्या करने का है? क्या भी नहीं, फोन करना है अपने। बुलाएंगे बट्टे को? हाँ फोन करेंगे। चल बुला। हाँ हेलो बट्टे, कहाँ है? हाँ आ रही हैं, जल्दी आ जल्दी आ, 5 मिनट। हाँ अड्डे के पास बैठे हुए है। हाँ आ जा। राइट। हाँ आ रहा मैं देख मैं जा रहा, देखूँ जान दे। मामा इफ्तारी ला रहा पट्टे देख मामा। जा रे जाओ भाई। कुछ नहीं, कहा जा क्या रे? अजा हो रही मई जान। क्या है वो? अरे दो भाई इफ्तारी, चलो फिर नमाज को जाएंगे, चलो अजा हो रही। अरे मैं नमाज जाता हूँ। क्या जाता रे भाई? बहुत गुनाह लगता है भाई तुम्हारे। हाँ जाते से वाले कई करोड़ के। चलो भाई जा रहे। तू क्या फिर से क्या गुनाह लगता? अरे दो भाई है। है लाइट रे वो छोड़, ना को सोच क्या भी क्या भी होता है इसको बोलो। 5 मिनट में घर को जा गया। थोड़ा हां आधा घंटे जाके घर को जा गया। रुक जा क्या देखता हूं। A few minutes later. अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई।
माफी चाह रहा हूँ भाई। है उसकी कोई जरूरत नहीं भाई, कल जरा वो मेरे दोस्त था उचकाए थे। है उसकी कोई जरूरत नहीं, माफी चाह रहा हूँ भाई, सही में भाई। है वो नहीं रोजा है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हूँ भाई। हाँ बैठो भाई। हाँ अच्छा भाई, हो असर की नमाज पढ़ लिए भाई? पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया था। हाँ इफ्तार का टाइम होने का है, रोजा है ना आप? अल्हम्दुलिल्लाह हूँ भाई। हाँ चलो फिर जाएंगे, चलो चलो भाई। ए मेरे दोस्तों, सभी लोग सोचते हैं कि रमजान में रोजा रखना और नमाज पढ़ना ही जरूरी है, लेकिन एक दूसरे का सहारा रहना भी जरूरी है। और सभी लोग सोचते हैं कि रमजान के महीने में शैतान नहीं है, लेकिन अपना नफ्स ही शैतान है, उससे बचने वाला ही सही मुसलमान है।